नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मैं ये देखी किताब रस्किन बॉन्ड की किताब है द लास्ट टाइगर। ये किताब मैंने बताई थी फादर्स डे के दिन मेरे बच्चों ने मेरे को भेंट की थी कि जानते हैं कि फादर जो है वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है क्योंकि वो जो टॉपिक आज मैं बोल रहा हूँ वो ताल्लुक रखती है लेट जिम कॉर्बेट साहब से। रस्किन बॉन्ड साहब के पास उनका एक बावर्ची था, बावर्ची होते हैं खाना बनाने वाले, और एक मसालची था। मसालची होते हैं जो मसाला पीसते हैं, और वो बर्तन वर्तन का भी काम करता था जब भी वो कैंप्स में रहते थे, क्योंकि वो मूव करते रहते थे, कहीं से कॉल आ जाती थी। तो वो जो बावर्ची था उसका नाम था महमूद। आज की जो स्टोरी है महमूद के लाइफ में, जब वाइल्ड में रहता था क्या क्या गुजरी, उसकी ये कहानी। उनके पास खानसामा जो था वो तो था ही था, एक मसालची था। जब ये कॉर्बेट था, अब जो महमूद रस्किन बॉन्ड के यहाँ काम कर रहा था एक टाइम पे, बहुत साल इसने कॉर्बेट साहब की एक बावर्ची के रूप में सेवा की। तो किससे? कॉर्बेट साहब के टाइम पे, जब ये कॉर्बेट साहब के साथ कैंपों में रहता था, और उसने खुद क्या एक्सपीरियंस किया ये उसकी स्टोरी है, और कितने भयानक एक्सपीरियंस किए ये उसकी स्टोरी है। तो सबसे पहले जो उसकी एक स्टोरी है वो बता रहा हूँ कि अक्सर वो रस्किन बॉन्ड साहब ने उससे पूछा भी कि क्या तुमने टाइगर्स देखे हैं, तो महमूद ने बोला कई बार, कुछ आदमखोर शेर जो कॉर्बेट साहब शिकार करके लाते थे, कुछ कैटल ईटर्स जो गाय उठाने वाले थे, और गांव वाले परेशान हो जाते थे तो कॉर्बेट साहब को बुलाते थे, तो उनको गांव वाले कारपेट साहब बोलते थे, कॉर्बेट नहीं बोल पाते थे कारपेट। तो ये महमूद भी कारपेट साहब ही बोलता था, कभी कभार कॉर्बेट साहब भी बोल देता था। तो ऐसे ही एक समय, एक रात में, और खाने के बड़े शौकीन थे, तो ये महमूद अक्सर जो है इनको खूब बढ़िया बढ़िया जो है नॉन वेजिटेरियन पकवान खिलाता था, जो भी वो मांगते थे। तो इसी के इन महमूद को एक टेंट दे रखा था जिसमें दो चारपाई थी, जिसमें एक में महमूद सोता था और दूसरे में वो जो मसालची था वो सोता था। एक रात का किस्सा है कि महमूद जब उठा, एकदम तड़के उठते हैं लोग, तो जब उठा तो देखा कि वहाँ पर मसालची नहीं है। तो उसने सोचा था ये फ्रेश होने के लिए निकला, सुबह होने वाली थी, पाव फटने वाली, समझ लीजिए वही 5:30, यहाँ भी वही समय 5:30 बजे जब मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो इसने सोचा ये बाहर चला गया है। फिर थोड़ी दूर जब देर इंतज़ार करने के बाद इसने देखा कि ये मसालची वापस नहीं आए, तो उसको चिंता हुई। तब तक उसने देखा कि उसकी जो चादर थी जिस पर वो सो रहा था कैंप कॉट के ऊपर, वो खिंची हुई थी, नीचे पड़ी हुई थी। तब इसका ख्याल गया, उसका माथा ठनका, कुछ मामला ज़रूर है। हुआ क्या था कि टेंट का फ्लैप, क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो टेंट का फ्लैप इन्होंने खुला हवा के लिए थोड़ा खोल रखा था। तब इसने हल्ला करना चालू किया महमूद ने कि मसालची नहीं दिख रहा, मसालची नहीं दिख रहा है। इसने नीचे देखा तो खून के धब्बे देखे टेंट के ठीक थोड़ा बाहर। तो समझिए कि तब तक तो कॉर्बेट साहब बगल वाले टेंट में थे, आ गए। उन्होंने जब, जो आदमी को इतना तजुर्बा था, इतने मैनेटर्स मारे थे, वो तो देखते ही समझ गए थे इसको किसी जानवर ने खींचा है। जहाँ उन्होंने पंजे अंजे देखे निशान, तो पता लग गया किसी टाइगर ने मसालची को पकड़ के खींच के ले लिया है। और ये कब हुआ किसी को नहीं मालूम, रात के कितने समय हुआ, बट कॉर्बेट साहब समझ गए थे कि जब खींच के ले गया है ये काफी टाइम पहले, और अब तक तो वो जिंदा नहीं होगा, जंगल में पता नहीं कहाँ खींच के ले गया होगा। बहुत पतला दुबला सा आदमी था वो जो मसालची था, मेरे ख्याल उसको तो ऐसे दांत से पकड़ के ही भागता हुआ चला गया। बट कॉर्बेट साहब समझ गए थे कि जब इंसान के ऊपर इसने अटैक किया है, तो क्या मालूम कि ये कहीं आगे चल के मैनेटर ना हो जाए।
इससे पहले क्या इसने मारा है कि नहीं मारा उनको क्या मालूम, कुछ भी नहीं मालूम था। बहरहाल उसकी खोजबीन हुई तो वहाँ से आधा पौन किलोमीटर आगे उसके वो फटे हुए कपड़े और उसकी बॉडी मिली जो अमेरिका से आधा से ज़्यादा खा गई थी, हड्डी हड्डी ही रह गई थी, वो टाइगर ने काफ़ी कुछ खा लिया था, इसका मतलब बहुत भूखा था। तो महमूद बहुत डर गया। तो कॉर्बेट साहब ने कहा, देखो डरने से काम नहीं बनेगा, तुम कैंपों में हमारे साथ इतने टाइम रहे हो, आज तुमको एक चीज़ और बता रहे हैं कि जब भी आप रात को सोइए तो बाहर आग जला लीजिए, जाड़े में जब अंदर होते हैं तो आप ऐसी चीज़ तैयारी रखिए कि टेंट की जो अंदर जाने का फ्लैप है उसके सामने कहीं थोड़ी दूर पे आग लकड़ियां जला के रखिए, आग से टाइगर बहुत डरता है, जलने से टाइगर बहुत डरता है। बात आई गई होगी, एक मौत हो चुकी थी, महमूद ने अपने साथी को खो दिया था। हर इंसान को चाहे जंगल में वो कितना भी रहे, एक इंसान उसके बगल पे सोता हुआ अगर चला जाए, गायब हो जाए, तो उसके अंदर से क्या हालत होती होगी, ये महमूद ने वो बताया रस्किन बॉन्ड साहब को कि मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था, बट हमेशा कॉर्बेट साहब पे विश्वास था कि जब तक वो रहेंगे मेरा नुकसान नहीं होगा जंगलों के अंदर। कई कैंप उनके लगते रहते थे, वहाँ जाता था, उसके बाद तो यही मसाला वसाला पीसता था, खाना बनाता था और उनको जो है खाना बना बना के देता था। तो एक बार की बात है कि गर्मी बहुत हो गई थी और जहाँ कैंप लगा हुआ था वहाँ थोड़े से बगल में जो कॉर्पोरेट साहब और इन्होंने अपने जो कैंप लगाया था, तो अपना जो कैंप झील था, एक झील के किनारे लगाया, तो इनका इरादा था कि झील में जो है चिड़ियाँ भी आएंगी, चाप आप खाने के बड़े मजदूर वो थे, कॉर्बेट साहब शौकीन थे, तो वो बोल रखा था कि तुम देख लेना, अगर चिड़ियाँ देखेगी तो हम कुछ चिड़ियाओं का शिकार कर लेंगे, तो हम लोग अच्छे से कैंप वाले मीट जो है बना के खाएंगे। तो ये कैंप वहाँ से शिफ्ट हो चुका था जहाँ मसालची को मारा था टाइगर ने, ये दूसरे कैंप में आ गए थे, क्योंकि जहाँ से कोई रिपोर्ट आती थी कि यह आदमपुर ने किसी के ऊपर अटैक किया है या किसी कैटल लीडर ने किसी के ऊपर अटैक किया है, तो कॉर्बेट साहब फिर अपना कैंप उधर शिफ्ट कर जाते थे। नॉर्मली तो शिकार में अकेले निकलते थे, बट कभी केसेस ऐसे आते थे कि फिर वो साथ वाले लोगों को खाने पीने की चिंता रहती थी, कभी कभी उनके सिस्टम साथ में रहती थी तो वो निकल जाया करते थे। तो कॉर्बेट साहब की बात इसके दिमाग में घर कर गई थी कि आग जला के रखना है, आग से टाइगर बहुत डरता है। और इस कैंप में आते ही दूसरे दिन महमूद के साथ ही जो घटित हुआ वो मेरे साथ भी होते होते बचा था एक बार, अगर मैं लकी था तो मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ, बट ये महमूद जैसे जो स्टोरी है कितनी सच होती है, जो मैं स्टोरीज बता रहा हूँ कि जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो जो लोग जंगल में मूव करते हैं, आज तो लोग जाते हैं जिप्सी में ट्रैवल करते हैं और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, उस टाइम पे कोई रिजर्व फॉरेस्ट नहीं हुआ करता था, सब ओपन फॉरेस्ट थे और बड़े जानवर ज़्यादा थे, ठीक है। तो एक दिन ये कुछ चाप बना रहा था, एक फ्राइंग पैन था और लकड़ी का चूल्हा बनता था, तो लकड़ी के चूल्हे में बैठे हुए अपने टेंट के अंदर ये कॉर्बेट साहब के लिए खाना तैयार कर रहा था, सूप कुछ बनाता था, वो सूप तैयार कर रहा था, आग खूब भपक रही थी और अंडे कर रहा था फ्राई, जो मुर्गी के अंडे हैं वो बड़े शौकीन थे अंडे के, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मेरे लिए चार अंडे फ्राई कर दो और फिर कुछ रोटी बना लेना, उसके साथ खाना होगा तो खा लेंगे, तुम भी वही खा। और कुछ चॉप इसने दिन में बना के रखे हुए थे। अब होता क्या है कि टाइगर और लेपर्ड जैसे जानवरों की नाक बहुत तेज होती है, सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जब ये सब बन रहा होगा ना तो किसी उसी एरिया के टाइगर ने को वो अट्रैक्ट किया उस महक ने, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी
वो आया फ्लैप, क्योंकि गर्मी थी तो फ्लैप वैसे ही खुला हुआ था। जब वो मिसाल्टी गायब हुआ था उसमें भी ये हुआ था कि गर्मी में फ्लैप बंद करो तो अंदर गर्मी बहुत रहती, तो थोड़ा सा फ्लैप ऊपर वाले दो तीन बंद रहते थे, नीचे वाले खुले थे थोड़ी की, ताकि टेंट के अंदर हवा आती रहे। और क्योंकि वो झील के बगर में था तो उसमें हवा आती रहती थी। तो ये बना रहा था अचानक इसने महसूस किया कि टेंट के फ्लैप की तरफ से कुछ उसको आवाज आ रही है मुंह के, जैसे सांस की, तेज सांस की। ये घबरा गया है, इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि हम पीछे मुड़ के देखें। पर इसने क्या किया कि जो फ्राई पैन में अंडे फ्राई कर रहा था वो हाथ में ले लिया रेडी होके कि, और पलट के उसको अगर कोई जानवर होगा तो इसने सोचा था मैं सबसे पहले काम करूंगा कि वो पलट के फ्राई पैन जो है गरम गरम वो उसके मुंह पे फिर मारूंगा या शरीर पे मारूंगा, और दो तीन जो जलती हुई लकड़ी है वो लेके उसकी तरफ फेंकूंगा। और वही उसने किया, पर उसको यकीन नहीं हुआ। जैसे ही वो पैन लेके पलटा उसको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार फिर एक टाइगर का सर अंदर झांक रहा था। ये दूसरा टाइगर था, ये एक टाइगरस थी। बाद में वो कॉर्बेट साहब ने जो पंजे के निशान है उससे वो देखा, तो वो खाली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खुशबू जो उसको टेंट के अंदर से आ रही थी वो झांक रही थी। महमूद ने पलट के जो है वही एक जान बचाने का जरिया था उसका, वो जानता था कि जब साहब ने बोला है तो ये कितना ज़रूरी है। आग भी था उसके पास चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, उसने पैन फेंका जो सीधे उसके मुँह के ऊपर जाके लगा, गरम गरम पैन, और फिर जो दो लकड़ी के टुकड़े थे वो भी उसको फेंका। तब तक तो वो एक करके धाड़ा और बाहर भागा। वो आवाज बगल के टेंट में कॉर्बेट साहब थे उनको सुनाई देगी, वो तुरंत उठ के आए। ये रात का समय की बात बता रहा हूँ। वो आए आवाज़ सुन के तो महमूद ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, एकदम उसकी गर्दन अंदर दिखी, तो मैंने जो आपने बताया था मुझको याद आ गया, मैं आपके अंडे फ्राई कर रहा था, मैंने पैन फेंका और अंडे और गरम अंडे उसके मुंह पे चिपक गए, और दो तीन लकड़ी भी मैंने उसकी तरफ फेंकी तो डर के मारे वो पीछे भाग के जंगल में चला गया। तो कॉर्बेट साहब ने उसकी बड़ी तारीफ की, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो चीज़ उसको बोली गई थी वो चीज़ उसने अप्लाई की, नहीं तो उस दिन इसको भी वो टाइगर खींच के ले जाता। तो रस्किन बॉन्ड साहब ये सब जो किस्से सुन रहे थे उनको यकीन नहीं हो रहा था कि जो मेरा खानसामा है उसकी लाइफ जंगलों में इतने टाइम बीती है। बट क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब जैसे माहिर शिकारी के साथ वो रहता था तो वो जानते थे कि इसके पास बहुत स्टोरीज होंगी। तो उस दिन तो इसकी जान बच गई, वो टाइगर भागा, कॉर्बेट साहब ने थोड़ा उसका पीछा भी किया, बट फिर जानते थे कि हम अंधेरे में ज़्यादा पीछा नहीं कर सकते। जब मॉर्निंग में गए थे उसके पंजे देखे और उसके विस्कर्स जो थे मूछ वो जल गई थी और कुछ टेंट के बाहर गिर गई थी। तो फायर से टाइगर लेपर्ड कितना डरता है उसकी एक ये जीती जाती मिसाल है। तो उस दिन इसके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इसको बचा लिया था। अगला किस्सा जो इसने एक बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी कभी हंसी भी आती है, पर वो बहुत इंटरेस्टिंग। उसी कैंप में गर्मी के टाइम पे ही ये खाना आना दे के सब अपना खा के अपने टेंट में सो रहा था, तो क्योंकि वो टेंट झील के बगल में था तो गर्मी के टाइम पे कभी कभी मच्छर बहुत आ जाते थे टेंट के अंदर, और जब मच्छर आ जाते थे तो ये हो जाते थे परेशान, चादर भी ओढ़े पर कब तक गर्मी में चादर सर के ऊपर ओढ़ के रखे, भुन 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 अपनी जो आवाज़ करते रहते हैं सैकड़ों की तादाद में आ जाते थे क्योंकि तालाब किनारे थे, और उसमें बतके भी आया करती थी, चिड़िया भी आया करती थी। इसीलिए वो कैंप उन्होंने कॉर्बेट साहब ने लगाया था कि यहाँ अक्सर जो है हम शिकार कर लिया करेंगे और हमारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। माइग्रेटरी बर्ड्स आया करती थी, जंगली मुर्गियाँ थी वहाँ पर, ऐसे और भी थे, और पानी का क्योंकि स्रोत था कुछ छोटे मोटे जानवर हिरन वाइल्ड बोर ये भी आते थे, तो उनको ये मालूम था कि इस जगह हमें शिकार की कमी नहीं बट सावधान रहना होगा। तो जो भी कैंप पर रहते थे उनको सबको बोला था कि रात के टाइम पे कैसे रहना, आग जलाने का, फ्लैप को बंद करके रखो,
सावधान रहो, कोई चीज़ हो तो तुरंत आवाज़ दो, ये सब बात सब कैंपर्स को मालूम थी। तो एक दिन का माजरा है कि ये सो रहे थे, इनको मच्छर जब परेशान करने लगे तो महमूद जो है इन्होंने क्या किया कि फिर अपनी खटिया बाहर ले आए, जो कि गलत था क्योंकि एक बार इनको टाइगर झांक के गया था। और आप एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं एक बड़े कार्निवोर को बाहर सो, गर्मी बहुत लग रही थी, बट हुआ क्या कि बाहर हवा अच्छी चल रही थी, तो जब हवा थोड़ी सी तेज़ चलने लगी क्योंकि पानी भी था बगल में, तो जो मच्छर थे ना वो हवा के साथ बाहर जब ये सोया तो मच्छर जो है हवा के चक्कर में सब वहाँ से निकल गए और ये अपनी चादर ओढ़ के सो गया। नींद भी आ गई क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो रही थी और मच्छर जब काट रहे थे। जब गहरी नींद सो रहा था तो इसको एकदम से ये उठा और इसको लगा कि उसने कोई सपना देखा है, जैसे भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है। तो इसने अगल बगल सब देखा कि कुछ भी नहीं है, सब तो ठीक है, भूकंप होता तो लोग भगदड़ मचती कैंप के अंदर, यहाँ तो कुछ नहीं है, बट इसने महसूस किया कि कुछ हिला है, भूकंप जैसे ही लगा उसको। तो ये फिर वहाँ लेट गया अपने बिस्तर में कि देखा कि कुछ नहीं है। बस वो लेट के 10-15 मिनट हुए थे कि इसको लगा कि जिस चारपाई पर ये लेटा हुआ है वो चारपाई धीरे धीरे झील की तरफ खींच रही है। तो इसने बोला ये क्या हो रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है और मेरी चारपाई अपने आप झील की तरफ खिसक रही थी, ये डर गया। इसने सोचा कि वही पैरानॉर्मल केस है, कोई आत्मा प्रेत आत्मा है जो इसकी चारपाई को झील में उसकी आत्मा आवास करती होगी या अगल बगल। जो गांव के लोगों को ये ख्याल एकदम से सबसे पहले ये आता कि जब कुछ नहीं दिख रहा तो शायद ऐसे ही होगा, और जैसे ही नीचे झांका इसने देखा एक बड़ा मगरमच्छ अपने दांतों से इसकी चारपाई को पकड़ा हुआ था और खींच रहा था अपनी तरफ, तो इसकी जान सूख गई। अब उसकी उसके डर के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकली कि वो आवाज़ दे कि कॉर्बेट साहब आ जाए, बट तब तक उसकी हिम्मत हुई तो उसने आवाज़ दिया बचाओ बचाओ करके। तो कॉर्बेट साहब अपने टेंट में, क्योंकि वो शिकारी थे तो बहुत अटेंटिव सुनते थे, वो तुरंत बाहर आए। तब तक वो मगर जो था इनकी चारपाई ऑलमोस्ट झील के किनारे तक ले गया। तो फिर से दोबारा महमूद का प्रेजेंस ऑफ माइंड ने उसकी जान बचाई, क्योंकि एक बार वो झील में खींच देता तो इनको 2 सेकंड में चाप के अंदर चला जाता। तो ये वहाँ से जैसे किनारे पहुँचा जो सैंडी हिस्सा था, जैसी चारपाई उसमें वो खींच रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता, खींचा जा रहा है वो भी अंधेरे में, तो ये वहाँ से कूदा, बिस्तर से कूदा और फिर कैंप की तरफ भागा। तब तक तो कॉर्बेट साहब आ गए अपनी राइफिल वाइफिल लेके बाहर और उन्होंने 2-3 बार जो है वहाँ एम करके मारा भी। अब वो लगा नहीं लगा, पर उसके बाद क्या हुआ कि जब फायर की आवाज़ हुई और लोगों को देखा होगा क्रोकोडाइल ने, तो चारपाई छोड़ दी, और नहीं चारपाई को लेते हुए पानी के अंदर चला गया। सोचिए अगर महमूद उस चारपाई में होता तो शायद 2 मिनट के अंदर वो उसको ख़त्म करके निकल गया। जो क्रोकोडाइल्स की आदत होती है वो तो सीधे निकलते हैं और फिर डेथ रोल मारना चालू करते हैं ताकि वो सब उनके शरीर के अंदर जो भी वो निकलते हैं वो पच जाए। तो ये सेकंड किस्सा था महमूद का, जिसमें ये बहुत नज़दीक मौत के गया और बच गया। तो ये जंगलों में ये आम चीज़ होती है। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताया कि नेपाल के जो जनकपुर है वहाँ के राजा कॉर्बेट साहब के बड़े नज़दीक थे। किस्से सुनिए आप जरा कि आदमी पे है क्या क्या किस्से होते हैं। और कॉर्बेट साहब इसके ऊपर बहुत विश्वास करने लगे थे क्योंकि ये अब वो पैतरे सब समझ गया था, जो जंगल में रहने वाले एक बंदे को मालूम होना चाहिए, तो वो महमूद को पता लग गया। तो वो आए तो कॉर्बेट साहब ने, और वो बहुत मोटे आदमी थे, एकदम मोटे, खाने पीने वाले, खाने के बहुत शौकीन, पीने के बहुत शौकीन। तो राजा साहब जब आते थे उनको खाली शिकार करवाना है और फिर वो शिकार के जो चमड़ी और सर सब ले आते थे, उनकी ट्रॉफी बना के अपनी पैलेस में लगवाना उनका शौक था। तो वो तो हाथी के ऊपर हमेशा आते थे शिकार करने के लिए। तो एक बार एक कैंप में ऐसे ही हुआ कि राजा जनकपुर इनसे मिलने आए, तो उन्होंने
कॉर्बेट साहब से बोला कि हमें अच्छा शिकार कराइए, अब की बार हम हमेशा आपके पास आते हैं और ट्रॉफीज़ जो हैं, ट्रॉफीज़ का मतलब शिकार करके ले जाते हैं और अपने पैलेस में वो सब उनके हेड जो है माउंट करके लगाया करते हैं, तो अब की बार भी कराइए। तो वहाँ जिस एरिया में थे वो शाम से बताते थे कि भाई टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, हिरन है, सब स्टफ करके सजे हुए थे उनका पैलेस। और दूसरा, राजा साहब को सब समझते थे कि जाके टाइगर मारते हैं, लेपर्ड मारते हैं, मारते हैं एक्चुअली कॉर्बेट साहब थे हमेशा, बट कभी जताते नहीं थे कि मैंने एक गोली मारी। कई बार ये बच्चे हैं हाथी के ऊपर रहते हुए, और कॉर्बेट साहब जैसा शिकारी था जो हमेशा ये भाप जाता था कि ये कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करें, इससे पहले जब शिकार में उनके साथ रहते थे तो ये इनको बचा लेते थे। बट एक बार क्या हुआ कि महमूद इनके साथ था, तो महमूद को राजा साहब के साथ, जनकपुर के राजा साहब के साथ इसने बोला कि तुम इनके साथ चले जाओ और एक तरफ तुम रहोगे, एक तरफ से मैं जाऊँगा। उस दिन राजा साहब की क्या सनक आई कि उन्होंने कहा कि मैं आज हाथी में नहीं जाऊंगा, मैं भी, आप पैदल चलते हो, मैं भी पैदल जाके शिकार करूंगा। तो महमूद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास था, तो महमूद से उन्होंने कहा कि तुम इनके साथ चले जाओ। जब ये चले गए तो जाते ही जंगल के अंदर, जैसे ही थोड़ा सा बाएं साइड ये गए थे, दाहिने साइड कॉर्बेट साहब चले गए थे कि देखते ही जंगल में आज क्या मिलता है, राजा साहब को क्या भेंट कर सकते हैं मार के। तो एक बड़ा जंगली सूअर दिखा और पता नहीं किस मूड में था वो, सामने सामने राजा साहब थे, पीछे जो है बंदूक लिए हुए ये भी था, उनके पास भी राइफल थी। और जंगली सुअर की स्पीड एजिलिटी क्या होती है उसकी, ये जीती जाती मिसाल है। पता नहीं किस चक में वो सुअर था, उन्होंने जैसे ही इन दोनों को देखा उस सुअर ने इनकी तरफ चार्ज किया और बड़ी तेज़ी में आया, इतनी तेज़ी में आया कि जब तक राजा साहब अपने कंधे के ऊपर राइफल उठाते तब तक उसने मार दिया आके मारा। बट यही हुआ कि उनका जो पजामा था उस पे उसका जो टस्क होता है वो मेल था, उसका जो टस्क था घुस गया और राजा साहब को उसने गिरा दिया। फिर क्या था, तो राजा साहब ने तो दौड़ लगा दी, बट महमूद को क्योंकि जिम्मेदारी के तौर पर कॉर्बेट साहब ने भेजा था, महमूद सामने आया उसको मारने के लिए, पर जब तक वो भी बंदूक अपनी डबल बैरल उठाता उसको तरफ शूट करता, उसने आके महमूद के कान पे बहुत कस के वार किया। पर वार करने के साथ ही साथ इसके हाथ में शायद वो एक कुल्हाड़ी थी जो रखता था ऐसे यहाँ पर, वो कुल्हाड़ी थी वो इसके हाथ से निकल गई, इसने जो है जंगली सूअर के गर्दन के ऊपर वार किया और शरीर पर 2-3 कर दी। तो वो घबरा गया, घबरा के वहाँ से भाग गया। बट उस दिन फिर महमूद की वजह से एक इंसान की जान बच गई। एक बार तो एक इंसान चला गया जो मशालची था, उसमें महमूद कुछ नहीं कर पाया था। एक बार महमूद खुद बच गया जब मगरमच्छ चारपाई खींच रहा था, और अब की बार जो था वो राजा साहब को उसने इस अटैक से बचा लिया। तो उसकी बहादुरी की तारीफ हमेशा कॉर्बेट साहब बहुत करते थे। कोई भी गेस्ट आता था तो महमूद जब खाना बना के आता था सर्व करने के लिए, तो महमूद को वो इंट्रोड्यूस करते थे और बताते थे कि इसकी ब्रेवरी की वजह से और इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, जो जंगल के अंदर एक दिमाग होना चाहिए उसकी वजह से कितनी बार उसका बहुत गंभीर घाव भी हुआ था जिसमें वो हॉस्पिटलाइज रहा, उसको दिनों दिन लग गए उस घाव को हील करने में। तो उस दिन बड़ा लकी एस्केप था क्योंकि जंगली सुअर के अटैक से इंसान कितने मरे हैं, बड़ी कहानियां हैं उनकी, मैंने ही कुछ बताई हैं अपने चैनल में कुछ वीडियोस में। तो उस दिन महमूद बच गया था। एक छोटी सी स्टोरी और बता रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा नहीं तो वीडियो हो जाए। ये उसने एक बार कॉर्बेट साहब के साथ शिकार पे जा रहा था, तो कॉर्बेट साहब की राइफल पड़ी हुई थी, उसने राइफल कभी नहीं चलाई थी, डबल बैरल तो फिर भी उसको थोड़ा बहुत था, जो राइफल थी वो बड़ी ज़बरदस्त लॉन्ग रेंज मारती थी। तो कॉर्बेट साहब के साथ ये निकल रहा था, वो बैठ के एक जगह जो है शायद अपना सिगार या सिगरेट पी रहे थे, तो इसको एक हिरन दिख गया। हिरन दिख गया तो उसने बोला कि साहब आपकी राइफल उठा के मैं इसको मारूं, तो बोलो मारो।
फॉरवर्ड साहब ने कहा कि मारो, तो इसने जब एम लिया और मारा और कंधे के ऊपर, आपको मालूम है कि जब भी आप गन यूज़ करते हैं आपको कैसे उसको कंधे पर रखना, नहीं तो वो बैकफायर करती है और कंधे पर बहुत तेज झटका मारती है। तो शायद इसने कुछ लूज रखा होगा और वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठा हुआ था, बट हिरन को जैसे ही इसने फायर किया तो हिरन तो भाग गया, हिरन ने उसको गोली नहीं लगी थी। बट क्या हुआ कि सामने से आवाज आई धड़ाम, तो दोनों देखते हैं कि सामने झाड़ी के पीछे से एक लेपर्ड आगे की तरफ गिरा, जिसको लग रहा था कि एकदम से ये कहां से, ये प्रकट कहां से हो गया। हुआ ये था कि जो मिस फायर था वो हिरन को तो नहीं लगा था, वो हिरन के चक्कर में जो लेपर्ड झाड़ी के पीछे घात लगा के बैठा हुआ था उसको जाके वो गोली पड़ गई और वो वहां से लुढ़का इधर आया और थोड़ा सा घुर्रा रहा था इन लोगों को देख के, तब तक कॉर्बेट साहब ने गोली उसको और मार दी और वो शांत हो गया। तो कॉर्बेट साहब ने वो क्रेडिट महमूद को दिया कि भाई तुमने तो लेपर्ड मार दिया है। तो उसने बोला नहीं साहब, हम तो हिरन को मार रहे थे, ये लेपर्ड कहाँ से आ गया है। तो वो तो समझ गए थे कि ये घात लगा के वो झाड़ी के पीछे बैठा होगा, जब उसकी गोली मिसफायर हुई और राइफल थी और राइफल की गोली जो है लेपर्ड को लगी और वो गले के अंदर से लगी, उन्होंने जब देखा और जो उनने फायर किया था वो बॉडी पे लगी थी, तो वो समझ गए। बट उसको जताया नहीं कि तुमने नहीं शिकार किया है, उसने ये बोला कि जो गोली लगी है ये तुम्हारी लगी है, अब तुम चाहो तो इसकी चमड़ी ले जाओ। तो इसने बोला नहीं साहब, मैं चमड़ी लेके क्या करूँगा। बोले ठीक है। तो उस टाइम पे महमूद को कॉर्बेट साहब ने उस लेपर्ड को मारने के लिए 500 रुपये इनाम दिए, जो उस टाइम पे बहुत बड़ा इनाम था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो महमूद की है, जो रस्किन बॉन्ड साहब की किताब में मैंने पढ़ी थी, बट क्योंकि कॉर्बेट साहब से वो वास्ता था तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने यही, क्योंकि इंटरेस्टिंग एक आदमी जाने अनजाने में जंगल में क्या हो जाता है, उसके चक्कर की कहानियाँ हैं कि कैसे टाइगर आ गया, कैसे क्रोकोडाइल आ गया, कैसे उसके साथी को एक टाइगर उठा ले गया और कैसे इसने एक लेपर्ड को अनजाने में मार दिया, मार रहा था हिरन और मर गया लेपर्ड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ लगी और इसी स्टोरी को फिर, क्योंकि रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने द लास्ट टाइगर जो अपनी बुक है उसमें ये डाला है कहानी। तो जब मैं फादर्स डे के दिन, क्योंकि मालूम था कि मैं वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चों ने मेरे को ये प्रेजेंट किया था, बट बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें किताब है, स्टोरीज और भी हैं वाइल्ड की, होगी तो फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। गर्मी आज भी बहुत है और 6 बजने वाले हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो को बोलते बोलते, ऑलमोस्ट 28 मिनट हो गए, तो मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ, बाकी एंड में बोलना चाहूँगा कि कल वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई है, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेटर हूँ, एक बहुत खुशी की बात है। कि कितने साल, 2007 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे और कल फिर हम 7 रनों से साउथ अफ्रीका से जीते हैं, तो इंडिया की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग बहुत हेल्दी रहिए, गर्मी है अभी भी, कई जगह पानी गिरा है, कई जगह नहीं गिरा है, लखनऊ में भी पानी कल तो नहीं गिरा, परसों शाम को गिरा था खूब कम दबा के, पर उससे उमस बहुत हो गई। तो आप टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और तगड़े से। थैंक यू।